छत्तीसगढ़ से हैदराबाद मजदूरों को ले जा रही बस चंद्रपुर जिले के राजूरा तालुका में विरूर से धनोरा मार्ग पर एक मोड़ पर अचानक से पलट गई। इस हादसे में एक की मौत तो करीब 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना आज तड़के करीब 3 बजे हुई। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में मजदूर हैदराबाद में मजदूरी के लिए जाते हैं। इसी बीच ढाणी कंपनी की ट्रैवल बस 32 यात्रियों को लेकर विरूर से धनोरा शिरपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे धनोरा गांव के पास एक मोड़ पर आकर पलट गई। जैसे ही सभी यात्री सो रहे थे, हादसा होते ही उनमें भगदड़ मच गई। इनमें से एक यात्री चेतन रात्रे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही विरूर थाने की टीम ने राहत कार्य शुरू किया। घायलों को राजूरा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य मामूली घायलों का विरूर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिए। चंद्रपुर से बीसी न्यूज के लिए सुनील ताड़े की रिपोर्ट।